फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काव्या शर्मा। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं अमेज़ॉन होम डेकोर शॉपिंग हॉल शेयर कर रही हूँ। अमेज़ॉन पर दिवाली फेस्टिवल पर जो है ऑफ़र्स और सेल चल रही है, उसी को ध्यान में रखकर मैंने कुछ आइटम्स ऑर्डर की हैं। फर्स्ट आइटम मुझे इस तरह से मिली है, इसकी अनबॉक्सिंग आपके सामने ही कर रही हूँ। ये है किचन के लिए मेरी आइटम, फ्लोर मैट प्लस फ्लोर रनर। हालांकि अमेज़ॉन से मैंने पहले भी एक किचन का रनर ऑर्डर किया था, फ्लोर रनर, और अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने एक और इसलिए ऑर्डर किया क्योंकि जब मुझे उसे वॉश करना होता है तो स्टैंड बाय में मेरे पास दूसरा कोई रनर नहीं होता। और इस आइटम में प्लस पॉइंट ये था कि इसमें रनर के साथ साथ आपको एक छोटा जो है मैट भी मिलेगा, सेम पैटर्न का, सेम वर्डिंग का, और इसके ऊपर जो है किचन से रिलेटेड वर्डिंग्स लिखी हैं, जैसे कि फ्रेश मिल्क फॉर कॉफ़ी, 100% नेचुरल, हैव अ नाइस डे। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर वर्डिंग्स लिखी हैं जो आपकी किचन से, मॉर्निंग से रिलेटेड हैं, गुड स्टार्ट टू योर डे। और कलर भी ये डार्क है, और अगर आप किचन में काम करते हैं तो नंगे पांव अगर आप काम करेंगे तो इस फ्लोर मैट पर तो आपके जो है ये काफ़ी फ़ायदे के लिए है क्योंकि ये एंटी स्किड है। जब हम काम करते हैं कुछ पानी तेल जो है फर्श पर गिरता है और हमारे स्लिप होने के चांसेस होते हैं, तो इस तरह से जब आप फ्लोर मैट बिछा कर रखेंगे या रनर बिछा के रखेंगे तो आपका फ़र्श एक तो जल्दी गंदा नहीं होगा और आप नंगे पांव भी किचन में इजीली काम कर सकते हैं। और डायमेंशन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जो फ्लोर रनर है ये 120x40 cm है और जो फ्लोर मैट है ये 60x40 cm है, और उसके लिए जो मैंने पे किए वो 432 rupees पे किए हैं, और ये लगने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। सेकंड जो है वो पार्सल, देखिए ये इतना बड़ा पार्सल है और इसकी अनबॉक्सिंग करना भी बहुत दिक्कत का काम है क्योंकि सेलर ने बहुत अच्छे से इसको पैक करके भेजा है। फर्स्ट ये अमेज़ॉन के लोगो वाले पैकेट में पैक है, इसके बाद ये बिग बबल रैप के प्लास्टिक में अच्छे से रैप किया हुआ है। ये मैंने लिविंग रूम के लिए अपने वॉल पेंटिंग ऑर्डर की थी, और मैं अनबॉक्सिंग आपको इसलिए दिखाती हूँ कि अगर आपको कोई आइटम अच्छी लगे और आपको मंगवानी हो तो आपको आइडिया मिल सके कि आपको किस तरह से ये रिसीव होगी। और इसके साथ साथ देखने में ये आइटम कैसी है, अगर आपको पसंद आए तो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। इसके बाद ये देखिए इस तरह से ये कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक की है, इसको भी ओपन करते हैं, और ये फिर से स्मॉल जो है बबल रैप से रैप है, इसको भी ओपन करते हैं। ये देखिए ये 5 pieces में MDF बोर्ड के ऊपर जो है ये वाटरप्रूफ पेंटिंग है, कोई ग्लास नहीं है इसके ऊपर, और ये सीनरी है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली इसे मैंने रिटर्न पर डाल दिया है, उसका रीज़न भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। कलर काफ़ी वाइब्रेंट है और मेरे लिविंग रूम के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी लगने वाली है, लेकिन मैंने रिटर्न में इसलिए डाली है क्योंकि इसकी जो अलाइनमेंट है वो बहुत दिक्कत करने वाली है। अगर आपने 1 mm भी ड्रिल ऊपर से नीचे कर दी तो जो पेंटिंग है उसका आउटपुट सामने अच्छे से नहीं आएगा। पीछे इन्होंने इस तरह से ये हुक्स दिए हैं हैंग करने के लिए। एजेस में भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, और अगर आप लगाएंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगी, और इसके लिए जो मैंने पे किया है 899 rupees पे किया है, और इसमें 4 designs और भी थे।
पर मैंने ये जो है अपने लिविंग रूम के कलर के हिसाब से ऑर्डर किया था, लेकिन अभी मैंने इसको रिटर्न में डाल दिया है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो ये इस तरह से पेंटिंग है। थर्ड आइटम जो मैंने ऑर्डर की थी वो इस तरह से, ये देखिए, बड़े से बॉक्स में मुझे रिसीव हुई है। और इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है एक प्लांटर, हालांकि ये आइटम जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो हो सकता है इसे मैं लगाने के बाद इसी तरह की एक और ऑर्डर करूं। जो कि प्लांट लवर हैं और इंडोर प्लांट जो हैं अपने घर में प्लेस करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं कहूँगी कि आप ब्लाइंडली इसे परचेज़ कर सकते हैं, कि जैसे हम अपने घर में लिविंग रूम में या बेडरूम में स्नेक प्लांट, एरिका प्लांट इस तरह से अगर प्लेस करते हैं तो ये बेस्ट है अगर आपको प्लांटर चाहिए तो। ऊपर मेटल का है और नीचे भी ये जो है आयरन का है। ये इस तरह देखिए क्रॉस में, और उसके बाद ये नीचे जो है इसके एंटी स्किड जो है प्लास्टिक लगा है। इसका एक का शायद बीच में है, मैं अभी बाद में निकाल के उसको भी प्लेस कर लूँगी। और जो इसके ऊपर कोटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, कहीं से भी निकली हुई नहीं है। और ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए इस तरह से, और आप जो है डायरेक्ट जो है प्लांटर के अंदर प्लेस मत कीजिए प्लांट को, अदरवाइज ये मेटल है तो इसको जंग लग सकता है। आप किसी छोटे से पॉट में प्लांट को पहले प्लेस कीजिए और फिर इसके अंदर रखिए, ऐसा मेरी सजेशन है। अदरवाइज़ जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से वाइट कलर में है ये, और जब मैंने प्लेस किया तो ये देखिए इस तरह से, मैं आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ, पिक्चर भी शेयर कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको प्राइस का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रही हूँ।